तो तमाम प्री वेडिंग फंक्शंस के बाद फाइनली आनंद अमानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए। और इस शादी जो ये हुई है वर्ल्ड की अगर आप मान के चलें तो सबसे महंगी शादियों में से एक शादी में बहुत सारे क्रिकेटर्स देखने को मिले जो शिरकत कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और बॉलीवुड सितारे, हॉलीवुड सितारे भी तमाम देखिए अपनी अपनी जगहों से यानी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से आए हुए थे, बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, आउट ऑफ द कंट्री से आए हुए थे, तो वो भी आकर शिरकत कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अगर आप बात करें कार्डेशियन सिस्टर्स की तो वो भी आई हुई थी, जॉन सीना भी, इवन यू कांट सी मी, वो भी आए हुए थे, पर हम उनको अच्छे तरीके से देख सकते थे नाचते हुए, गाते हुए और डांस करते हुए, तो उनको भी अपनी धुन पर नचा दे तो वो है अंबानी। तो अंबानी की ये शादी कभी कोई नहीं भूलेगा क्योंकि वर्ल्ड की अगर आप मान के चले तो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वेडिंग की अगर आप बात करें, लग्जूरियस वेडिंग की बात करें तो उसमें थे, और उसमें से लग्जूरियस अटायर पहन के भी सब जो है शिरकत करते हुए नजर आए, इवन क्रिकेटर्स भी। तो क्रिकेटर्स भी बहुत सारे यार, उनकी बात करेंगे कि भाई कौन कौन से क्रिकेटर्स पहुँचे हैं अंबानी की द बिग ग्रैंड वेडिंग में, तो और साथ में उन्होंने जो बधाइयाँ दी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को, कौन कौन से क्रिकेटर्स आए, कौन कौन से क्रिकेटर्स नहीं आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा कहाँ गायब थे, और कौन सबसे ज़्यादा मस्ती, मज़े और नाचता हुआ दिखा, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते। तो देखिए गेस्ट लिस्ट की अगर आप बात करें ना जो कि शादी में मौजूद थे, तो सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले हम कप्तानों की तरफ से चलते हैं, तो सबसे पहले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आए थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो उनकी वाइफ है साक्षी और अपनी बेटी के साथ जीवा के साथ नजर आए। गोल्डन कलर का पठानी सूट में महेंद्र सिंह धोनी इतने स्मार्ट लग रहे थे, इतने फब रहे थे, इतने मस्त लग रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद अगर आप बात करें तो भारतीय टीम के जो अभी अभी हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, वो भी नज़र आए अपनी वाइफ के साथ, तो अपनी फैमिली के साथ वो भी नज़र आए थे। युजवेंद्र चहल और धनश्री भी नज़र आए, शिखर धवन भी इवन आए थे, और शिखर धवन ने बॉलीवुड स्टार के साथ डांस भी किया था, इवन शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान भी बहुत फब रहे थे अपना जो उन्होंने जो पठानी पहन रखा था उसमें, और उनकी वाइफ जो गौरी थी उनके साथ भी थे शाहरुख खान, रणवीर सिंह भी थे, उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण भी थी, और ओवरऑल जो थिरकता हुआ सबसे ज़्यादा नज़र आया। अगर आप अगर सारे क्रिकेटर्स में से बात करें जो सबसे ज़्यादा डांस करता हुआ लेट लेट के जो खिलाड़ी नाच रहा था वो कौन थे, वो वही थे जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में वाइस कैप्टन थे, जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका फाइनल में 26 जून को, आप समझ गए होंगे, हार्दिक पांड्या। भाई इतनी मस्ती कर रहे थे, हार्दिक पांड्या पहुंचे थे अपने भाई कृणाल पांड्या के साथ, उनकी वाइफ, कृणाल पांड्या की वाइफ मैं कह रहा हूँ, पंखुड़ी के साथ, और ईशान किशन भी उनके साथ ही मौजूद थे, तो दोस्ती गहरी होती जा रही ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की भी, तो फैमिलीज के साथ अब वो घुलने मिलने लग गए अच्छे तरीके से। फैमिली है, मुंबई इंडियंस की फैमिली है तो घुलेंगे मिलेंगे तो है ही, पर लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो शिखर धवन भी मौजूद थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे। विराट कोहली हैं इस समय यूके में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने, विराट कोहली तो यहाँ पर नहीं पहुँचे ऑब्वियसली, पर लेकिन अगर आप बात करें रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा कहाँ थे, रोहित शर्मा पहुँचे हुए थे विंबलडन में। सबसे प्राउड मोमेंट तो जो विंबलडन का था ना, एक तो कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर पहुँचे थे, जिस तरीके से उनको अनाउंस किया गया वहाँ पर ऑन एयर के किस तरीके से कि भाई ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया इन क्रिकेट इन इंटरनेशनल टर्म्स, तो ऐसे अनाउंस किया गया। पर उससे भी ज़्यादा प्राउड की बात मुझे ये तब लगी जब रोहित शर्मा को जिस तरीके से विंबलडन के स्टेज पर अनाउंस किया गया, वो ये अनाउंस किया गया कि हेयर इज़ द T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा, तो ये सुन के ना दिल बाग बाग हो गया और मज़ा आ गया। अब वापस आते हैं जरा शादी की तरफ, तो हार्दिक पांडे की हमने बात कर ली, और ईशान किशन, शिखर धवन आए हुए थे, सचिन तेंदुलकर अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, अपनी वाइफ अंजलि के साथ, और इवन वो भी थोड़ी बहुत बातचीत और घुलते मिलते नज़र आए थे बिग बी के साथ, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ, द रजनीकांत के साथ, लेजेंडरी एक्ट्रेस के साथ वो नज़र आए हुए थे। तो ओवरऑल शादी में तो सबको मज़ा आया, सब डांस कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी डांस कर रहे थे, शिखर धवन डांस कर रहे थे, हार्दिक पांडे के जैसे मैंने बताया लेट लेट कर डांस कर रहे थे, तो ये सब पहुंचे थे द बिग फैट वेडिंग पर। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन सब क्रिकेटर्स में से कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे, उनके आउटफिट कैसे लग रहे थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।